माय चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर का पराठा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आटा तैयार करना होगा। उसके लिए ये हमने लिया है गेहूं का आटा। अब इसका इसमें हल्का सा डालेंगे नमक। इसे हम नॉर्मल आटे की तरह सान कर तैयार करेंगे। जैसे हम नॉर्मल आटा तैयार करते हैं रोटी के, उसी तरह हमें यह आटा गूंथना है। अब इसे सॉफ्ट करने के लिए इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे। हमारा गूंथ गया है, अब इसे ढककर रख लें। चलिए अब हम फिलिंग बनाएं। ये पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे प्याज। ये हरी मिर्च। चिली फ्लेक्स। थोड़ी सी अजवाइन। एक चम्मच नमक। ऊपर से हरा धनिया। बस इतनी चीजों को डालकर हम ये फिलिंग तैयार करेंगे। चलिए अब हम पराठा बनाकर तैयार करें। चलिए अब हम बनाना शुरू करें। अब हम इसकी फिलिंग को दबा दबा के भरेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम दूसरा पराठा भी इसी तरह से भरकर तैयार कर लेंगे।
इस पर घी डालकर इसी तरह से हमें धीमी धीमी आंच पे पकाना है। चारों तरफ से दबा दबा कर ताकि हमारा पराठा चारों तरफ से एकदम क्रिस्पी और लाल पके। इसे भी हम बेल कर इसी तरह भी तैयार करेंगे। हमारा तैयार हो गया दूसरा सेके। पराठा हमारा बनकर तैयार है। चलिए एक पराठा हम आपको तोड़कर दिखाएं। ये देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार है। इसे आप बनाइए और अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।